बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 33। आवर टॉपिक इज स्पेशल पीपल, खास लोग, यूनिट नंबर 3 है। एंड इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग सब टॉपिक व्हील चेयर बास्केट वर्क। यू ऑलरेडी नो दैट इट्स अ इंटरव्यू ऑफ एन अमेजिंग बॉय। The next question is, how often do you train? आप कितनी मरतबा तरबियत करते हैं? इस वजह से ये क्वेश्चन किया जा रहा है। वो आंसर करता है, अबाउट 5 times a week, हफ्ते में 5 बार। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग who play, जो खेलते हैं व्हील चेयर बास्केटबॉल, प्रोबेबली गालवन ट्रेन एटलीस्ट, वो तरबियत लेते हैं आखिरकार 3 times a week। जो बास्केटबॉल खेलते हैं हफ्ते में कम से कम 3 बार वो तरबियत लेते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड, वो बहुत मेहनती हैं। वी प्ले इन नेशनल लीग, हम कौमी सतह पर खेलते हैं। यू आर सपोज टू बी 14 टू प्ले इन द लीग। इस कौमी सतह पर खेलने के लिए आपकी एज जो है वो 14 साल होनी ज़रूरी है। बट आई हैव गॉट स्पेशल परमिशन, लेकिन मुझे खास इजाज़त है टू प्ले खेलने की, इवन दो अगरचे आई एम अंडर एज, मेरी एज जो है 14 साल से कम है, बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी, मेरी एबिलिटी सलाहियत की वजह से एंड साइज और जिसामत की वजह से। कहता है कि वैसे तो कौमी सतह पर खेलने के लिए 14 साल का होना ज़रूरी है, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद अपनी जिसामत और सलाहियत की वजह से मैंने खास रियायत ले रखी है। इट्स नेशनल जूनियर गेम्स, ये नेशनल कौमी जूनियर गेम्स है, जूनियर छोटे बच्चों की गेम है, ठीक है। दिस वीकेंड, इस हफ्ते, एंड यू कैन बी अंडर 14 टू प्ले हियर। कहता है इस हफ्ते नेशनल जूनियर गेम्स हैं और वहाँ खेलने के लिए आप 14 साल से कम भी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स द जूनियर गेम्स, क्योंकि वो हैं ही जूनियर गेम्स। बट आई एम नॉट प्लेइंग विद माई एज ग्रुप हियर, लेकिन मैं अपने हम उम्रों के साथ नहीं खेल रहा। आई एम प्लेइंग विद द ओल्डर वंस, मैं उम्र में अपने से ज़्यादा बड़ों के साथ खेल रहा हूँ। द 18 and 19 years old, 18 या 19 साल वालों के साथ मिलकर ये खेल रहा है और इसमें खुद की एज जो है 14 साल से कम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ व्हील चेयर बास्केटबॉल? व्हील चेयर बास्केटबॉल के रूल्स क्या हैं, कवायद और जवाबित क्या हैं? देर इज़ वेरी लिटल डिफरेंस, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है बिटवीन के दरमियान व्हील चेयर बास्केटबॉल एंड द रनिंग गेम। व्हील चेयर बास्केटबॉल और आम बास्केटबॉल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इन द रनिंग गेम, आम बास्केटबॉल में यू आर अलाउड 2 paces, आपको इजाज़त होती है 2 चाल लेने की, एंड देन यू हैव, चाल यहाँ पे मीन्स है 2 कदम, ठीक है। एंड देन यू हैव टू बाउंस, और फिर आपने उछालना होता है, और पास द बॉल, और बॉल को आगे किसी और को देना होता है। इन व्हील चेयर बास्केटबॉल में क्या होता है, यू आर अलाउड 2 pushes, आपको 2 बार धकेलना होता है कुर्सी को, एंड देन यू हैव टू बाउंस, और फिर आपको उछालना होता है इट और पास इट। इसके बाद आपको या तो बॉल आप उछालें या किसी और को दे दें। ऑन द ऑफेंसिव यू आर अलाउड 30 सेकेंड, इस व्हील चेयर बास्केटबॉल के लिए आपको 30 मिनट आपके पास होते हैं। वेरियास इन रनिंग बास्केटबॉल यू आर अलाउड 20, और आम बास्केटबॉल में 20 सेकेंड आपके पास होते हैं, 20 सेकेंड। द बास्केट्स आर एट द सेम हाइट, बास्केट हर 2 खेलों में एक ही ऊंचाई पर रहती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं दे लोअर देम बट दे डोंट, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इन्हें नीचे कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे, प्रोबेबली गालिबन एटलीस्ट आखिरकार, डेडिकेटेड मेहनती, नेशनल लीग कौमी सतह, डिफरेंस फर्क, एबिलिटी काबिलियत, बाउंस उछालना, ऑफेंसिव नागवार, हाइट बुलंदी, पेसिस चाल या फिर। इट्स इनफ फॉर टुडे, कल इंशाल्लाह मिलते हैं विद न्यू क्वेश्चंस, तब तक के लिए।